क्या आपका फोन देर सवेर बजता है और अजीब लोग आपको कॉल करके परेशान करते हैं? कोई तो तरीका होगा जिससे आप इन शैतान लोगों की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकें और सेव कर सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंड्रॉइड फोन पर कोई भी कॉल को कैसे रिकॉर्ड करके सेव करते हैं और उसका बैकअप कैसे लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो कई फोन कॉल रिकॉर्डिंग एप्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगी। मैंने इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S3 का उपयोग किया है। चलिए एक फोन कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और अब ऊपर खोज लेते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर। ये दिख रही है आपको ऐप, इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक किया और एक्सेप्ट पर क्लिक किया। अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रही है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉल रिकॉर्डर जो है ये खुल गया। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको कॉल रिकॉर्डर सेटअप क्लाउड करने को कहता है, यानी कि आप अपने क्लाउड में जैसे कि गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में लॉग इन करके अपनी सारी कॉल्स को सेव कर सकते हैं। चलिए इधर क्लिक करते हैं। अब आप अपनी क्लाउड सर्विस यहाँ पर चुन सकते हैं। तो मैंने इस फोन में पहले से अपनी गूगल ड्राइव सेटअप करी हुई है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। और अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। टर्न ऑफ सेल्युलर डेटा वार्निंग, इसको मैं अनचेक कर देती हूँ। और सिंक्रोनाइज रिकॉर्डिंग्स टू द क्लाउड ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, ये बहुत जरूरी है। वो कह रहा है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सिर्फ तब ही सिंक कीजिए जब आप किसी वाईफाई नेटवर्क के पास हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डेटा के बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑटो सेव टू क्लाउड, मैं उसे रहने देती हूँ। यहाँ सबसे ऊपर जाते हैं, लॉग इन इनटू गूगल ड्राइव, इस पर क्लिक किया। अब मेरे कुछ अकाउंट्स हैं जो यहाँ आ गए, मैं यहाँ क्लिक कर लेती हूँ और ओके के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये कुछ हमसे परमिशंस मांग रहा है, मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। ओके, और अब ये हमें गूगल ड्राइव में साइन इन कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग्स अभी सिंक कर दें, तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने गूगल ड्राइव में साइन इन कर लिया। वापस जाते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ तो कुछ खास है नहीं, तो फिर डन पर क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, आप इनबॉक्स में आ गए। फिलहाल यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, और सेव्ड पर गए, यहाँ पर भी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। चलिए अपने दूसरे फोन से एक फोन कॉल करके यहाँ पर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने घर के फोन से इस मोबाइल पर फोन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कॉल आ रही है और इसको अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसको बंद कर देती हूँ वहां से। और ये जो कॉल है ये हमने डिस्कनेक्ट कर दी। चलिए वापस जाते हैं और हम ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये अभी अभी कॉल हमें आई है जो 9 सेकंड लंबी है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब आपके पास यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को प्ले कर सकते हैं, तो चलिए प्ले कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये रिकॉर्डिंग हमने सुन ली। आप चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के बटन पर क्लिक किया तो देखिए, आपकी जो एप्लीकेशंस फोन में इंस्टॉल्ड हैं उनके द्वारा आप इस साउंड फाइल को शेयर कर सकते हैं। मैं वापस जाती हूँ और फिर देखिए, यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए, अब इनबॉक्स जो है वो हो गया खाली। और यहाँ ऊपर अगर आप सेव्ड पर क्लिक करते हैं तो
ये आपकी लोकल मेमोरी में, यानी कि आपके फोन कार्ड की मेमोरी में ये वाली फोन कॉल आ गई और इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आप यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस वापस से देख सकते हैं। एक और चीज आपको बतानी यहाँ जरूरी है कि कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो सेफ होती हैं, जैसे कि अगर आपके घर से कोई कॉल आई या आपके जाने पहचाने कॉन्टैक्ट से, दोस्तों से, आप नहीं चाहते कि वो वाली कॉल्स रिकॉर्ड हों, तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन है डोंट रिकॉर्ड दिस कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर यस कर दीजिए। इसका मतलब अगली बार जब घर से फोन आएगा तो ये कॉल अपने आप रिकॉर्ड नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि ऐसे लोगों की कॉल्स, संदिग्ध लोगों की या ऐसे लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। अगर आप हर कॉल को रिकॉर्ड करने लगे तो ये जरूरी भी नहीं और आपकी फोन की मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। ये खैर आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं और किस कॉन्टैक्ट की कॉल को नहीं रिकॉर्ड करना चाहते। इस एप्लीकेशन की एक प्रो वर्जन भी है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको इस वक्त सिर्फ इस फ्री ऐप के बारे में बता रही हूँ, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब आपने सीख लिया है कि अपने एंड्रॉइड फोन पर किसी भी कॉल को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नए वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।